गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 2, जो हमारी बसंत हिंदी पाठ्य पुस्तक है हिंदी फर्स्ट की, उसमें पाठ 2 है, कक्षा 3 का पाठ 2, अकड़ निकल गई। ये पाठ हम पढ़ेंगे, तो आप सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे जब भी आपको ये समझ में आएगा। तो इसमें एक भालू के द्वारा हमें बताया गया है कि हमें कभी भी चालाकी दिखाकर किसी अन्य व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। इसमें एक भालू के द्वारा बताया गया है कि वो किस तरह से सभी को परेशान करता था, सारे जो जंगल के जानवर थे उन्हें किस प्रकार से परेशान करता था, तो हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे, इसमें सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अकड़ निकल गई। एक था भालू, उसका नाम था गोलू। एक भालू था, उसका नाम क्या था? गोलू। वह बड़ा नटखट और चंचल था। कैसा था वो? नटखट। नटखट मतलब शरारती था और चंचल था। सारा दिन शरारतें करना ही उसका काम था। किसका? भालू का। वो क्या करता था? सारा दिन वह शरारतें ही करता रहता था। वह कभी किसी को तंग करता तो कभी किसी को। उसे तंग करने में बहुत अच्छा लगता था, मज़ा आता था। वह कभी भी किसी की चीज़ झपट लेता तो कभी पेड़ों को हिला हिला कर उनके फल नीचे गिराता। तो वो क्या करता? कभी तो किसी की चीज़ झपट लेता, छीन लेता था, और कभी कभी पेड़ों पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से उन्हें हिलाता था, तो उनके कच्चे फल जो होते थे, पत्ते जो होते थे, नीचे गिर जाते थे। एक दिन सड़क पर गोलू को एक थैला मिला। तो जैसे ही वो घूम रहा था सड़क पर, तो उसे क्या मिला? एक दिन एक थैला मिला। और उस थैले में उसने क्या देखा? जब उसमें देखा कि थैले में क्या है, उसे एक आईना मिला। आईना शीशा जो होता है वो मिला। सड़क पर घूम रहा था तो उसे क्या मिला? एक थैला मिला। और जैसे ही उसने थैले में देखा तो उसे एक आईना मिला, शीशा जिसे कहते हैं। तो गोलू ने उलट पलट कर देखा उसको, इधर आगे से देखा, पीछे से देखा, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। आईने में उसे एक भालू दिखा। तो जैसे ही उसने उलट पलट कर देखा, तो जैसे शीशे में हम देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? हमारी खुद की शक्ल नज़र आती है, चेहरा नज़र आता है। तो उसे क्या हुआ? आईने में उसे एक भालू दिखा, उसको खुद की परछाई दिखी। तो उसे देखकर वह घबरा गया। तो पहले तो उसे देखकर वो घबरा गया कि ये क्या हो रहा है, ये मुझे कौन दिख रहा है इस शीशे में, ये क्या, ये दूसरा भालू कौन है? उसने सोचा, ये दूसरा भालू कहाँ से आ गया, कौन है ये दूसरा भालू? उसने आईना अपने सामने से हटाया तो सामने का भालू गायब हो गया। जैसे वो पास में ला रहा था सामने, तो उसे चेहरा दिख रहा था, जैसे उसने हटाया तो चेहरा गायब हो गया। ऐसा उसने कई बार किया। तो उसने बार बार किया ये। अब वह समझ गया कि आईने में कोई दूसरा भालू नहीं, बल्कि उसका अपना ही चेहरा उसे दिख रहा है। जैसे वो बार बार हटा रहा था, लगा रहा था, तो उसने कई बार किया, तो उसको ये समझ में आ गया कि कोई दूसरा भालू नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, मेरी खुद की तस्वीर दिखाई दे रही है। उसने कुछ सोचा और सोचकर मुस्कुराया। अब वो क्या था? वो तो वैसे ही शरारती था। तो उसने कुछ सोचा और मुस्कुराया, फिर आईने को अपने थैले में रख लिया। मुस्कुराने लगा, उसे कोई शरारत सूझी होगी, तो वो मुस्कुराया और उसने क्या किया, वो शीशा अपने थैले में रख लिया। और वह सड़क पर मस्ती से अकड़ कर चलने लगा। अकड़ कर मतलब घमंड से चलने लगा, जैसे मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं, इस प्रकार अकड़ दिखाकर वो चलने लगा। एक दिन उसे चुनमुन खरगोश मिला। अब एक दिन उसे क्या मिला? चुनमुन खरगोश। खरगोश का नाम था चुनमुन। चुनमुन ने गोलू से कहा, तुम आजकल इतना अकड़ कर क्यों चलते हो? किसने कहा? चुनमुन ने, खरगोश ने गोलू से कहा, तुम आजकल इतना अकड़ कर क्यों चलते हो? तो गोलू ने झपटते हुए कहा, फटाक से जवाब दिया, मैं चाहूँ जैसे चलूँ तेरे जैसे को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ। तो अब उसके पास थैला था और थैले में क्या था? शीशा था। तो उसने तो फटाफट बोल दिया कि तुझे क्या है, मैं जैसे भी चलूँ, मेरी इच्छा होगी वैसे चलूँगा, और तेरे जैसे को तो क्या करता हूँ, मैं अपने थैले में रख कर चलता हूँ। तभी वहाँ बेजू गीदड़ आ गया। अब गीदड़ आ गया, गीदड़ का नाम क्या था? बेजू। तो चुनमुन ने बेजू से कहा, चुनमुन कौन था? खरगोश। तो खरगोश ने गीदड़ से कहा, देखो ना इसे, ये बड़ी अकड़ दिखा रहा है। कौन? भालू। भालू के बारे में उसने
बट बोला उसे कि देखो ना ये कितनी अकड़ दिखा रहा है। बेजू ने दांत पीसकर गोलू से कहा, दांत पीसकर मतलब गुस्से में आकर कहा, क्यों रे गोलू तुझे किस बात की अकड़ है। उसने क्या कहा, बेजू ने कहा क्यों रे गोलू तुझे किस बात की अकड़ है, मतलब तुझे किस बात का घमंड है। अगर मैं एक पंजा मार दूँ तो तू आसमान में नजर आएगा। गीदड़ ने क्या कहा भालू से कि मैं तुझे अगर एक पंजा मार दूँ तो तू कहाँ नजर आएगा, सीधा आसमान में नजर आएगा। गोलू बोला जा जा तेरे जैसो को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ। अब तो वो तो सभी को एक ही बात बोलने लग गया क्योंकि उसके पास शीशा था। तो उसने क्या कहा, बेजू गीदड़ से भी कहा कि जा तेरे जैसो को तो कहाँ रखता हूँ, मैं अपने थैले में रख के चलता हूँ। अच्छा निकाल मेरे जैसा गीदड़ अपने थैले में से। किसने कहा, अब बेजू गीदड़ ने कहा कि अच्छा मेरे जैसों को थैले में चलता है ना तू रख के, तो मेरे जैसा क्या कर, मेरे जैसा गीदड़ मुझे निकाल के बता। तो गोलू ने अपना हाथ थैले में डाला और जोर जोर से बुदबुदाया। बुदबुदाया मतलब जैसे ही थैले में हाथ डाला और वो शीशे को निकाला और कुछ बुदबुदाने लग गया, मतलब मन में मनी मन कुछ बोलने लग गया कि जैसे कुछ मंत्र बोल रहा हूँ। छू मंत्र काली कलंदर, गीदड़ आजा थैले से बाहर। तो इस प्रकार से वो कुछ मंत्र बोलने लग गया और शीशे को बाहर निकाल लिया। ये कहकर उसने थैले में से आईना निकाला और झट से गीदड़ के सामने कर दिया। अब गीदड़ के सामने करेगा तो क्या होगा, गीदड़ को अपना चेहरा नजर आ रहा था, उसमें अपनी परछाई नजर आई। गीदड़ ने आईने में अपनी तस्वीर देखी तो वो थर थर काँपने लगा। अब उसे तो ऐसे लगा, गीदड़ को क्या लगा, जैसे ही उसने शीशा उसके सामने लगा दिया, किसने लगाया था, भालू ने गीदड़ के सामने लगाया, तो गीदड़ को अपनी तस्वीर नजर आई उसमें, तो वो तो थर थर काँपने लग गया कि ये कहाँ से मेरे जैसा गीदड़ अपने थैले में से निकाल के लेके आ गया। तो वो थर थर काँपने लग गया, मतलब डरने लग गया जोर से। उसे अपनी परछाई को दूसरा गीदड़ समझा। अब उसे जो समझ में नहीं आ रहा था, उसने सोचा ये तो कोई दूसरा गीदड़ है, तो ये तो सच में ही मेरे जैसा गीदड़ अपने थैले में रखकर चलता है, उसने कहा था जो सच करके दिखा दिया इसने तो। और अपने मन में सोचा ये भालू तो खतरनाक है, कैसा है, खतरनाक है, और वो उसे डर गया। इससे मिलकर रहने में ही भलाई है, मिलकर मतलब जैसे वो कहता है वैसा ही मुझे तो करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये तो पता नहीं क्या कर देगा। तब बेजू ने भालू से कहा, अरे भालू भाई आप खूब मस्ती में घूमिए, चुनमुन तो मूर्ख है। अब उसने चुनमुन कौन था, खरगोश, उसको तो मूर्ख बता दिया क्योंकि बेजू गीदड़ तो डर गया था कि भाई ये तो मेरे जैसों को थैले में रख के चलता है, पता नहीं क्या क्या कर देगा। इसलिए उसने क्या कहा कि चुनमुन तो मूर्ख है, आप तो जैसे चलते हो जंगल में वैसे चलो, अपनी मस्ती में खूब घूमो, आपको तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। और बोला कि मेरी ज़रूरत पड़े तो बताना, अगर मेरा कोई काम हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, मतलब आपके सामने आ जाऊंगा, जो भी आपको कोई काम हो तो मुझे बुला लेना। डर गया था इसलिए वो तो अब चला गया। अच्छा भाई नमस्ते, ऐसा बोलकर गीदड़ वहाँ से चला गया। गोलू अब शान से जंगल में घूमने लग गया, शान से मतलब अपनी ही मस्ती में, उसे लग रहा था कि अब मेरे जैसा तो कोई नहीं है। उसने सोचा मैं तो अब ये शीशा दिखाकर सबको डरा दूंगा और सभी लोग क्या करेंगे, मेरी बात मानेंगे, मेरा ही कहना मानेंगे और मेरी चलेगी जंगल में, अब मेरी सब लोग मेरी ही बात सुनेंगे। अब एक दिन देखो क्या होता है, एक दिन की बात है, गोलू अपनी अकड़ में घूम रहा था कि कुछ शिकारी कुत्ते वहाँ आ गए। गोलू अपनी अकड़ में जैसे रोज़ घूमता था वैसे ही घूम रहा था और उस दिन क्या हो गया, कुछ शिकारी कुत्ते वहाँ आ गए। उनसे डरकर गोलू ने वहाँ से दौड़ लगा दी। अब जैसे उनसे तो वो डर रहा नहीं था जंगली जानवरों से, लेकिन एक दिन क्या हुआ, शिकारी कुत्ते दौड़ के उसकी तरफ आने लग गए तो उनसे वो डर गया। तो वहाँ से क्या हुआ, उसने तो दौड़ लगा दी, मतलब तेज दौड़ने लग गया वो। वह उन शिकारी कुत्तों से जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लग गया। भालू को लग रहा था कि ये शिकारी कुत्ते क्या करेंगे, मुझे खा जाएंगे, तो वो तो वहाँ जंगल में जोर जोर से इधर उधर भागने लग गया, दौड़ लगाने लगा। उसका थैला भी उसके हाथ से छूट गया और जो उसमें रखा हुआ शीशा था, आईना था, वो गिर गया और क्या हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, गिर कर चकनाचूर वो हो गया। और वहाँ क्या थे, सभी जानवर थे, उन्होंने ये सब कुछ देख लिया। जैसे ही भालू वहाँ से भागा
तो उसके जो थैले में आईना था, शीशा था, वो क्या हुआ, गिरने से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और सभी जानवर ये देख रहे थे। तो सभी जानवर वहाँ इकट्ठा थे, उन्होंने सबने ये तमाशा देख लिया भालू का कि उसके पास एक आईना है, थैला है, थैले में आईना है और वो टूटकर चूर चूर हो गया। अब भालू की असलियत सबके सामने आ गई थी, सभी जानवरों को समझ में आ गया था कि ये जो थैले में से निकाल के दिखा रहा था तो शीशे में से ही उनको सबको तस्वीर दिखा रहा था, तो सबको उनकी असलियत समझ में आ गई थी। गोलू भालू की सारी अकड़ गायब हो गई थी, अकड़ मतलब घमंड, जो वो जो अकड़ दिखा के चलता था जंगल में, तो उसकी सारी अकड़ अब गायब हो गई थी क्योंकि सबको उसकी असलियत का पता चल गया था, उसका जो रास्ता सबके सामने आ गया था। अब उसे क्या लग रहा था कि मेरी तो सारी